स्ट्रीम्स के लोग, पार्टियों के लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में अपनी बात को रख रहे हैं, चाहे वो पार्टी के फोरम है चाहे वो सरकार के फोरम है, क्योंकि अक्रॉस पार्टी लाइन ये इशू ऐसा है जिसने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स और ओबीसी के लोगों को कम से कम सचेत करने का प्रयास किया है, उनके अंदर एक जागरूकता और चेतना आई है। इसी कड़ी में हमारे पास कुछ साथी खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, तो मैं आप लोगों की, सर वैसे मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि आप विषय की गंभीरता को समझते हैं, इसीलिए यहाँ तक पहुंचे हैं। विषय की गंभीरता ना सिर्फ ये चंद सरकारी सेवाओं के सरकारी पदों की बात है, बल्कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स और ओबीसी के लोग जो है वो अब शिक्षण संस्थाओं में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। इसलिए आज जो ब्राह्मणवादी ताकते हैं, जो मनुवादी ताकते हैं, उन्होंने ये षड्यंत्र किया है कि इस प्रवेश को रोका जाए, उनकी एंट्री को हायर एजुकेशन के अंदर रोका जाए, और उसी का परिणाम है, चाहे वो आज रोस्टर क्या होता है, 5 मार्च की समस्या हमारे सामने आई है, जिसमें यूजीसी ने पता नहीं किससे सलाह लेके, किस व्यक्ति से सलाह लेके, किस कमेटी से सलाह लेके इस तरह का एक ऑर्डर हमारे पास भेजा है, सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भेजा है कि इसको डिपार्टमेंट वाइज किया जाए। अगर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा होता है या सुप्रीम कोर्ट का इंजेक्शन पढ़ा होता, तो उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये ऑर्डर भेजना है, बल्कि उसको कहा था कि देखिए ये क्या किया जा सकता है, और उन्होंने इतनी जल्दी दिखाई। इसका मतलब ये है कि जरूर यूजीसी के अंदर, सर यहाँ पे विशेष आपकी तवज्जो चाहेंगे, यूजीसी के अंदर जरूर ऐसे जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, जरूर ऐसे मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने अत्यंत तत्परता के साथ इस लेटर को भेजने का प्रयास किया है। आप उनको चिन्हित कीजिए, उनको देखिए कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेटर इतनी जल्दी भेजने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, जो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ इस लेटर की बात ही नहीं है, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी के 50% शिक्षक होने चाहिए, संवैधानिक जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो होने चाहिए। लेकिन देश का एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, देश का एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहां पे 50% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स का सुनिश्चित हो पाया हो। सो आप लोगों से, खासतौर पे जो सरकार में है या सरकार के नजदीक है, उनकी ये विशेष जिम्मेदारी बनती है कि जो अन्याय पहले होता रहा है वो अन्याय आगे ना हो, अदरवाइज हमें ये समझने में, हमें समझ नहीं आएगा कि भाई आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आपकी उपलब्धता क्या है। ये एक गंभीर विषय है, सिर्फ चंद मामलों, चंद सीट का मामला नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स शिक्षक जो है वो वास्तव में पूरे देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी के जो सामाजिक सरोकार हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनके प्रवेश को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र हमने इतनी मेहनत के साथ बिल्ड किया है उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, जब हम आज यहाँ पे आए हैं तो हम किसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पे आपको नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपने समाज के सदस्य के रूप में आपको देख रहे हैं। आप यहाँ पे आके हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप हमारे कंसर्न को पॉलिटिकल पार्टीज तक जाके बताएं, सरकार तक जाके बताएं कि किस तरीके से देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी के शिक्षक पूरे देश में सड़कों पर उतरे हुए हैं। समस्या हमारी नहीं है, समस्या उन लोगों की है जो पूरे देश में आज स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनका क्या होगा, उनको, उन लोगों ने 30-35 साल तक अपनी शिक्षा को लिया है, इसलिए उनका भविष्य अंधकार में है। और अगर शिक्षकों के खिलाफ, शिक्षकों को अगर ये सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, अगर रिसर्च स्कॉलर के भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकते, तो सर मान के चलिए कि ये सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं आपको इन्वाइट करता हूँ अपनी बात।